गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है डे टू ऑफ मसूरी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। तो अभी मम्मी तो रूम पे ही है, तो अभी पापा दीदी और मैं आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं आपको पीछे से वो दिखाता हूँ कि माउंटेन का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। अभी जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इतनी प्यारी लोकेशन है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, बल्कि बाहर चल के आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ भाई मेरे दोस्त, मैं आपको बाहर आके व्यू दिखा रहा हूँ। आप भी मसूरी के मज़े लीजिए, ठंडी ठंडी हवा। तो बस अब अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है, कि कैंपटी फॉल जाना है या फिर कहाँ पे जाना है। भाई कसम से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहाड़ों में कूद जाऊँ मैं, बस वाकई में बिना पैराशूट बिना कुछ लिए बस कूद जाओ पहाड़ों की वादियों में, ऐसा मन कर रहा है। भाई मसूरी को ऐसे नहीं बोलते क्वीन ऑफ हिल्स, वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपने विजिट नहीं करी है तो ज़रूर विजिट करना, और भाई मज़ा आ गया। और व्यू देख लो गाइस दोबारा। और गाइस यहाँ से जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं होटल में, ये कैंपटी फॉल के पास है, तो कैंपटी फॉल की भी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ हल्की हल्की। और इतना प्यारा मौसम हो चुका है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, बादल आ चुके हैं, बारिश का सा मौसम हो रखा है। आई होप बारिश हो जाए, पर बारिश नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो बस अब अपना कैंपटी फॉल के लिए चलेंगे, और पापा कह रहे थे कि विलेज टूर भी होगा एक, तो एक गाँव है तो वहाँ पर भी घूम के आएंगे और आपको भी घुमाएंगे। छोटे छोटे सनफ्लावर भी देख लो भाई, सेम सेम बट डिफरेंट। ब्रेकफास्ट का एक पार्ट आ चुका है, भाजी पूरी। ये है हमारी तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:15, और अब हम निकल रहे हैं कैंपटी फॉल के लिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा कैंपटी फॉल पे। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि अब हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी फाइनली, और हम ट्रॉली से नीचे जाएंगे कैंपटी फॉल की तरफ। पापा ले जा रहे हैं गाड़ी, ठीक है। तो बस अब आपसे अब मिलूंगा कैंपटी फॉल। अभी हम ट्रॉली से जाएंगे और ट्रॉली में भी ब्लॉग करता हूँ, आपको व्यू दिखाऊंगा ट्रॉली से कि कितना खूबसूरत लगता है पहाड़ों का वैली का व्यू, ठीक है। ट्रॉली की तरफ कितनी भीड़ जा रही है। आ गई है ट्रॉली की एंट्रेंस। फोन का कवर ले लिया, फोन का कवर कह रहा था। उसे तेरे सामने में ले लिया, देख सेल्फी। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इन्होंने इतने डाइवर्जन निकाल रखे हैं कैंपटी फॉल के, यहाँ पे इतने सारे ना प्राइवेट पूल भी बन चुके हैं एडवेंचर करने के लिए। इतना सारा पानी, इतना पानी आता है। देखो एक तो वहीं पे है जो मेन, जहाँ पे आप लोग जानते होंगे, और एक दूसरा ये नीचे बन रहा है, एक वहाँ पे है, दो हैं वहाँ पे, एक वहाँ पे है बोटिंग के लिए। इतना पानी, ये कैंपटी फॉल है, ये भैया का यहाँ टी स्टॉल है, यहाँ पे अदरक इलायची वाला चाय मिलता है बढ़िया करके, चाय मसाला। एक बार जरूर आए कैंपटी फॉल में, भैया के लिए भैया के हाथ की चाय जरूर पिए। अगर आपको नहाना होगा तो कपड़े लोकल भी हमारे पास मिलता है, ट्यूब वगैरह चिमनी रूम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मित्रों कैंपटी फॉल तो घूम के आ चुके हैं, अब हमें लग रही है भूख, तो अब हम जो है जरा लंच के लिए रुके हैं। उसके बाद हम जाएंगे कंपनी गार्डन शायद, या फिर होटल रूम में वापसी। हाँ होटल में जाएंगे, फिर शाम को कंपनी गार्डन जाएंगे, और फिर वहाँ से मान लो तो कितनी बारी घूम लो मन नहीं भरता। तो अभी हम लंच करते हैं और फिर जाएंगे होटल। सो गाइस लंच हो गया है, लंच में हमने खाया छोले, दही, चावल, राजमा और दाल। और क्योंकि गाइस सुबह हमने जो है थोड़ा हैवी खा लिया था, सुबह हमने पूरी भाजी खा ली थी, पराठे खा लिए थे, तो थोड़ा जो है लाइट खाने का मन था। और ऑल टाइम फेवरेट है भाई राजमा चावल, दाल चावल तो आप जानते होंगे, नॉर्थ इंडियन बेस्ट फूड है। तो बस अभी खाना खाया, अब जा रहे हैं होटल और फिर अपना निकलेंगे शाम को मॉल रोड।
साढ़े पाँच। तो गाइज अभी बज रहे हैं 5:30 और अब हम निकलेंगे मॉल रोड के लिए। जैसे मैंने आपसे वादा करा था भाई, मॉल रोड से मन नहीं, 5 बजे हैं, मॉल रोड से मन नहीं भरता है भाई, मेरा तो खास तौर से नहीं भरता है। तो अब मॉल रोड चलते हैं, अब मैं आपसे मिलूंगा मॉल रोड। तगड़ा सीन हो गया है, इस समय जो है ओले पड़ रहे हैं, ओले। तो जैसे मैं कहता हूँ बारिश तो छोड़ो, ओले पड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखो ये ओले पड़े हैं ये, और पापा निकल गए हैं पैदल। सो गाइस फाइनली मॉल रोड पे पहुंच गए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज हुई थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी मॉल रोड पूरी गीली हुई हुई है, लेकिन तब भी लोग मॉल रोड घूमने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि भाई मॉल रोड इतनी पॉपुलर है और इतनी फेमस है कि भाई चाहे कितनी ही तेज बारिश हो रही हो, लेकिन लोग यहाँ पे जरूर आते हैं, जरूर। गाइस आप देख सकते हैं, तो भाई वहाँ पीछे वो जो बादल है ना, देख रहे हो, वो पूरा घिरा हुआ बादल, घना बादल है, मतलब ओले पड़े थे भाई साहब, आप एज्यूम कर लो भाई कितना। तो फाइनली गाइस इतनी तेज बारिश रुक चुकी है और हमें शेल्टर भी मिल चुका है। तो अब ये मतलब उस शॉप पे तो मैं हम नहीं जा रहे हैं जिसपे मेरे को जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसी शॉप पे अपना एंजॉय करेंगे, और मैं क्या पता यहाँ का अच्छा लगे और यहाँ की डिश भी ट्राई करते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम चेकआउट कर रहे हैं, ये थी हमारी मसूरी ट्रिप। मैं कल ब्लॉग एंड करना भूल गया था, अगर आपको ये मसूरी ट्रिप बहुत अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर मेरे को बताना। तो मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।